नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर जबरोस्ट टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। शेयर मार्केट में वही पैसा कमाता है जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है, तो सभी को पता ही होगा। दो बातें शेयर मार्केट के बारे में बड़ी पॉपुलर हैं जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। पहला है कि शेयर मार्केट गिरता जरूर है, और गिरता भी तब है जब यह टॉप पे होता है। ये कोई तुक्का नहीं है, इसके कुछ कारण हैं जो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहला तो हो गया कि शेयर मार्केट गिरता जरूर है। दूसरा है कि शेयर मार्केट उठता भी जरूर है, दोबारा भी उठ जाता है, पहले से ज्यादा ताकत से उठता है। तो इसलिए ये दो बातें तो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए शेयर मार्केट के। तो आज हम आपके लिए डिफेंस सेक्टर का ड्रोन बनाने वाली अनजान सी कंपनी लेकर आए हैं, जिसके बारे में कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को कोई ध्यान नहीं है इस कंपनी की ओर, जिसका काम सर्विलेंस और मैपिंग का है, सिक्योरिटी का। ड्रोन मार्केट में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है और वर्ल्ड में इसका 5वां स्थान है। आने वाले समय में अच्छी रिटर्न दे सकता है यह शेयर। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अगर आपको हमारी टीम का काम, रिसर्च का काम पसंद आता है तो आप लाइक भी कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। और इसके अलावा हम तो यही कहेंगे कि हम बहुत मुश्किल से अलग से किस्म के लाते हैं, जिनको देखने वाले भी कम होते हैं, लेकिन ये होते अच्छे शेयर हैं जिन्होंने अच्छे पैसे बना के दिए हैं। तो दोस्तों, आप शेयर भी जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और कलीग्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते। आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, यह कंपनी 2007 में निगमित हुई थी। आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड मानव रहित विमान प्रणाली यूएएस के निर्माण व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी मैपिंग, सुरक्षा, निगरानी के लिए मानव रहित विमान वाहन बनाती है। यह ड्रोन खनन क्षेत्र नियोजन और मानचित्र अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला भी पेश करती है। उत्पाद पोर्टफोलियो देख लेते हैं इसका। हार्डवेयर इसमें यूएवी पेलोड, बैटरी चार्जर, संचार प्रणाली शामिल है इसमें। दूसरा है इसका सॉफ्टवेयर एंड एम्बेडेड सब सिस्टम, इसमें जीसीएस सॉफ्टवेयर शामिल है जो इसके यूएवी के नियंत्रण और प्रबंधन को सक्षम बनाता है, और ऑटो पायलट सब सिस्टम जो उड़ाने के रिमोट कंट्रोल और स्वायत्त समापन को सक्षम बनाता है। समाधान तीसरा है इसका, उद्योग अनुप्रयोग विशिष्ट सॉफ्टवेयर को सक्षम बनाता है जो अंतिम ग्राहक के लिए उनके यूएवी के मूल्य को बढ़ाता है। कंपनी के उत्पाद का अनुप्रयोग आइडिया फोर्ज यूएवी निर्माण और रियल एस्टेट को उनके संचालन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। वो सीमाओं पर खुफिया निगरानी और टोही आईएसआर संचालन करने में रक्षा बलों की सहायता करते हैं। आमतौर पे ये मिलिट्री का ही है, डिफेंस सेक्टर का ही शेयर है। विनिर्माण सुविधा, कंपनी नवी मुंबई में विनिर्माण सुविधा 21,000 वर्ग फुट के लाइसेंस प्राप्त परिसर में है। मार्केट लीडर, कंपनी मानव रहित विमान प्रणाली बाजार के एक मार्केट लीडर है जिसका वित्त वर्ष 22 में 50% हिस्सा था। भारत में हैशटैग नंबर 1 स्थान पर है। इसके पास पूरे भारत में स्वदेशी यूएवी की सबसे बड़ी परिचालन तैनाती है, जिसमें औसतन हर 5 मिनट में निगरानी और मानचित्र के लिए एक आइडिया फॉर्ज निर्मित ड्रोन उड़ता है। रैंकिंग, विश्व के ड्रोन निर्माताओं में 5वां स्थान है। हर 5 मिनट में इसका ड्रोन दिख जाएगा आपको, 5वां स्थान है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड शानदार
और या यूं कहें कि यूनिक बिजनेस मॉडल है। मार्केट कैप 3,554 करोड़ है, कीमत 829 रुपये है, आज 52 वीक हाई एंड लो 1170 रुपये और 618 रुपये है। पी 77 है, बुक वैल्यू 155 रुपये है, जिसका कुछ लेना देना नहीं होता फंडामेंटल से। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड है जो वो 12.10% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.34% है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, कंपनी कर्ज मुक्त है, ये इसका और भी बड़ा प्लस पॉइंट है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 44.30% के CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी में डेटर डेज 71 दिन 71 दिन से 54 दिन हो गए हैं। HAL भारत डायनामिक्स इसकी पीयर कंपनीज हैं, एमटार भी इसके इस पीयर कंपनी में रखा जा सकता है उसको भी। कंपनी ने एनुअल रिजल्ट्स FY24 के अच्छे दिए हैं, हम इसको कंपेयर भी कर लेते हैं FY23 के रिजल्ट्स के साथ। FY23 में सेल 186 करोड़ थी जो FY24 में 317 करोड़ हो गई। OPM 26% था जो 19% रह गया। नेट प्रॉफिट 32 करोड़ से 48 करोड़ हो गया, 48 करोड़। तो रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, सेल भी बढ़ी है और नेट प्रॉफिट भी 32 करोड़ से 48 करोड़ हो गया, 50%। रिजल्ट तो अच्छे हैं, पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। 3 साल में CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 109% है, बहुत ही अच्छा इसकी ग्रोथ है सेल की। और 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है जो CAGR की वो 74% है, ये भी बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज 14% है। बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। रिजर्व है जो वो 620 करोड़ की है, बोरिंग 14 करोड़ की है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि डेट फ्री है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 54 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट भी 95 करोड़ की है। बहुत ही सॉलिड बैलेंस शीट है, बहुत मजबूत बैलेंस शीट है। कैश फ्लो प्लस 158 करोड़ है, हेल्दी है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर्स की 29.33% की हिस्सेदारी है। FII 2.92%, DII 3.40%, पब्लिक के पास 64.32% है। अगर इसमें FII और DII ने एंटर किया है तो फ्रेंड्स आप मान के चलिए कि कंपनी सॉलिड है, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। ये सोचने वाला है जिसके अंदर FII और DII एंटर करते हैं छोटी कंपनी में, तो वो कंपनी अच्छी ही माननी चाहिए आपको, क्योंकि इनके पास फौज होती है चेक करने के लिए। पब्लिक के पास 64, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। प्रमोटर्स की 29.33% इक्विटी है जो थोड़ी कम नजर आती है। बैलेंस शीट और अदर फाइनेंशियल आइटम्स पूरी तरह सॉलिड हैं। अब हम आइडिया फोर्स की प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। दाम 829 रुपए है, पी 75 है, सेक्टर पी 52 है। ये सेक्टर पी कैसे लेते हैं समझ में थोड़ा कम आता है। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, अपने फील्ड का लीडर है ये। दूसरा, इसकी पीयर कंपनी एमटार 105 की पी पर, भारत डायनामिक्स 84 की पी पर मिल रहे हैं। शेयर के दाम बिल्कुल उचित हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लायक दाम है। इस शेयर के बहुत कम हलचल है, शेयर में निवेशकों के ध्यान में नहीं है यह शेयर। अगर परिणाम अच्छे आते हैं तो 900 या 1000 तो जल्दी ही हो जाएगा। PLI योजना में आता है इसके प्रोडक्ट। गवर्नमेंट का ध्यान ड्रोन विस्तार की ओर है, 3 महीने में 20.60% की ग्रोथ दी है। हमारी टीम की राय में सॉलिड शेयर है, फंडामेंटल जो मजबूत है, यूनिक मॉडल है, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह बहुत उपयोगी है और इसमें 3 साल में हमारे ख्याल से यह 1600-1700 रुपये तक जा सकता है। तो दोस्तों, आप समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।